एनी टीम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से गुरु नानक देव जयंती की हार्दिक शुभेच्छा। और गुरु नानक देव जी का हमेशा से संदेश रहा है पूरे देश को, वासियों को, कि एकता और सद्भावना के साथ इस देश में रहा जाए, सभी लोगों को समान समझा जाए, इसी को उद्देश्य बनाकर गुरु नानक देव जी ने अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया था। आज उनकी जयंती के निमित्त में यहाँ नागपुर शहर के अंदर जो एक भव्य यात्रा का आयोजन किया गया है, उस यात्रा में हम लोगों ने उनके स्वागत के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा एक स्वागत समारोह का इंतज़ाम किया था, जो आपने खुद देखा है। और ये संदेश हम देना चाहते हैं नागपुर शहर वालों को और पूरे देश वालों को नागपुर शहर के माध्यम से, कि जब तक हम अपने देश को एकता में नहीं बांधेंगे, आपसी भाईचारे में नहीं रहेंगे, तब तक हमारे देश का भला और उद्धार नहीं हो सकता है। और इसी संदेश को लेकर हमने यहाँ पर ये आयोजन किया था। हम पर इस मौके पर मौजूद हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब असलमुल्ला खान साहब, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम के महाराष्ट्र स्टेट के प्रेसिडेंट है, वो भी यहाँ मौजूद थे। हमारे अंसारी साहब भी यहाँ मौजूद थे, जमील अंसारी जी भी मौजूद थे, और बाकी सारे के सारे अशफाक भाई हमारे ये भी यहाँ मौजूद थे, और पूरा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का, और साथ ही साथ में आपस में हमारे जो भाईचारे के साथ हमारे यहाँ बहुजन समाज के, दलित समाज के जो लोग हैं, वो सारे के सारे इस यहाँ पर बौद्ध समाज के लोग उपस्थित थे, और उन्होंने बहुत स्वागत किया इस रैली का। और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आने वाले हर पर्वों के ऊपर पूरा देश नागपुर शहर के मानें आपसी एकता और भाईचारे के साथ इस तरीके का समारोह आयोजित करता रहे और भाईचारे का संदेश देता रहे। धन्यवाद।